नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 1, पेज नंबर 74। इन दिस पेज नंबर लेट अस मेजर। मेजर मींस व्हाट? व्हिच वी हैव टू मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, और इफ वी डोंट हैव द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है तो हम अपने हैंड स्पैन या फुट स्पैन से मेजर करते हैं। तो अब बेड कवर इज नीडेड फॉर यश कॉट। अब बेड कवर चाहिए। हाँ, यश के कॉट देख रहे हैं आप, उसके लिए एक कवर, बेड कवर चाहिए, जैसे कि बेडशीट होता है। वन इज़ वेरी शॉर्ट एंड द अदर इज़ वेरी लॉन्ग। ये छोटा है और ये क्या है, वेरी लॉन्ग है, बहुत बड़ा है। तो मेज़र द लेंथ ऑफ द कॉट। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी बेडशीट लेने से पहले हमें अपने कॉट का मेज़रमेंट करना चाहिए, है कि नहीं। देन डिसाइड द मेज़र ऑफ द बेड कवर। उसके बाद ही हमें डिसाइड करना होता है कि उस पर कितना बड़ा बेड कवर लगेगा, यानी बेडशीट लगेगा। तो यश डज नॉट हैव अ टेप टू मेज़र। यश के पास टेप नहीं है मेज़र करने के लिए। लेट अस मेज़र द लेंथ बाय स्पैन। तो स्पैन से मेज़र करेंगे, चलो स्पैन से मेज़र करते हैं। उसके पास तो टेप नहीं है, तो यहाँ पे यश ने देखिए यहाँ पे मेज़र किया है, 1, 2, 3, 4, 5 स्पैन हो गया, ये 6। हाँ, अभी अंदाज़ा लगाओ कि उसका कितना स्पैन होएगा, 7, 8, 9, 10 अप्रॉक्स 10 स्पैन रहेगा, 10 स्पैन रहेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे भी तो जाना चाहिए बेडशीट, इधर अंदर जाना चाहिए, यहाँ से भी अंदर जाना चाहिए, समझो कि 10 और यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, तो ऐसे करके 12 स्पैन तो चाहिए बेडशीट। तो ये हम लोग ने क्या लगाया, गेसिंग किया, तो ये गेसिंग हो गया। यश मेजर्ड द लेंथ एज 11 स्पैन। चलो इसने 11 स्पैन किया, सो द लेंथ ऑफ बेड कवर शुड बी 13 स्पैन, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा स्पैन वी हैव टू टेक, बिकॉज वो अंदर भी जाना चाहिए बेडशीट, ये मैट्रेस के अंदर जाना चाहिए कि नहीं। तो 13 स्पैन तो रहना चाहिए, एज इट हैज़ टू बी अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ा सा लॉन्गर रहेगा तो वो मैट्रेस के अंदर भी जाएगा, वो जिसे फिक्स हो जाएगा तो जल्दी निकलेगा नहीं। तो कभी भी बेड कवर थोड़े लंबे होने चाहिए, और उसका हैंड स्पैन 11 था तो 13 हमको लेना चाहिए, ऐसे करके यश ने सोचा। तो बच्चों यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं। बिना इंस्ट्रूमेंट के हम जो भी मेज़रमेंट करेंगे क्या वो एक्यूरेट रहेगा, नहीं, क्योंकि सबका हैंड स्पैन अलग अलग है। मेरा तो बहुत बड़ा है, आपका छोटा छोटा है, तो सबका हैंड स्पैन जो रहता है बच्चों वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बॉडी, जैसे जैसे हमारी बॉडी रहती है, छोटे बच्चों की छोटी रहती है, लंबे लोगों की लंबी रहती है, तो वैसे ही हैंड स्पैन सबके अलग अलग होते हैं, तो उससे कभी भी एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे तुम्हारी स्केल हो गई, पट्टी, या फिर मेज़रिंग टेप हो गया, तो उससे एक्यूरेट रहेगा, चाहे वो कोई भी मेज़र करेगा। मैं मेज़र करूँगी तो भी उतना ही रहेगा, आप मेज़र करेंगे तो भी उतना ही रहेगा। तो इसीलिए कभी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर तो सिर्फ गेसिंग है, तो वी हैव टू ओनली गेस। मेज़र द डिस्टेंस बाय फीट बिटवीन टू फ्लावर पॉट्स नियर बाय। देखो, टू फ्लावर पॉट्स दिया गया है, यहाँ पर हमको मेज़र करना है। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लड़की जो है अपने फुट से कर रही है, बाय फीट, 1, 2, 3, 4 मे बी 5, 6 और 7। इस तरह से उसका कितना फीट होएगा, कितना फीट स्पैन होगा, यहाँ पे 7, तो यू कैन राइट हियर 7 फीट, ठीक है। तो ये 7 फीट का गैप रहेगा यहाँ पे। अब गेस द लेंथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, मेज़र इट बाय स्पैन एंड राइट। अब इस ये आप सोच सकते हैं कि हाथ से कितना मेज़र रहेगा। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसको अपने हाथ से खुद कीजिए, कितना हैंड स्पैन आता है, ऐसे करके आप लोग को लेंथ का मेज़रमेंट करना है। जैसे कि ये हैंड स्पैन है, तो एक न्यूज़पेपर आपके घर में होगा, उसमें आपका कितना हैंड स्पैन होता है, आप उसे यूज़ कीजिए, उसे मेज़र कीजिए, मेज़र करके इस बॉक्स में लिखिए। ये मैं आप लोग को नहीं दे सकती लिख के, यहाँ पर मुझे दिख रहा था तो मैंने दे दिया, ये आप खुद कीजिए और इस डब्बे में लिखिए, ठीक है। तो बच्चों ये मेज़रमेंट का लेसन था। यहाँ पे हमें मेज़रमेंट हम अपने हाथ से भी करते हैं, अपने पैरों से भी करते हैं, लेकिन यह गेस वाला मेज़रमेंट होता है। एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है, जिसके थ्रू हम एक्यूरेट मेज़रमेंट कर पाते हैं, और एक्यूरेट मेज़रमेंट ही करना चाहिए। ये तो सिर्फ एक गेसिंग है जो हम ऐसे ही बताते हैं, बट ये गेसिंग सिर्फ हमारे यहाँ वहाँ तक ही हम बता सकते हैं, किसी और को हम एक्यूरेट ही बताना रहता है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है, जैसे कि टेप हो गया, मेज़रिंग टेप हो गया, स्केल हो गया, तो वो एक्यूरेट मेज़रिंग
इक्विपमेंट्स है। ठीक है तो बच्चों, ये हमारा लेटेस्ट मेजरमेंट का लेसन ओवर हुआ। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।